हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक्स। एग्जाम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम्स और रिजल्ट्स के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है। तो इस नोटिस में क्या क्या बताया एसएससी ने, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन को 17 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और देश के 130 जिले इंक्लूडिंग मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद को रेड जोन में रखा गया है, जहां पे आपका मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। और एसएससी अपने एग्जाम्स लगभग 150 सिटीज़ में कंडक्ट कराती है और ऐसे में कैंडिडेट्स को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करके जाना पड़ता है और वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है। और लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन के कारण ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी सर्विसेज है इंक्लूडिंग ट्रेन, बस सर्विसेज, वो सारे बंद है। तो इसके रिगार्डिंग एसएससी ने जो मेंशन किया है वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है 2 का ए, इसमें लिखा गया है कि शेड्यूल्स फॉर कंडक्टिंग कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2019, स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2018 एंड एग्जामिनेशन फॉर द सेलेक्शन पोस्ट फेज 8 2020 will be announced only after complete lifting of restriction of lockdown, including restrictions on travel by road, train, air, etc. तो इसमें यह mention किया गया है कि SSC अपने जितने भी exams हैं जो कि SSC ने postpone किए थे, वो सारे exams तभी conduct कराए जाएंगे जब lockdown को और lockdown के restrictions को पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता। आगे SSC ने mention किया है कि डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड एटलीस्ट 1 month इन एडवांस फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसमें SSC ने कहा है कि SSC इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के 1 महीने पहले इनका डेट्स जारी कर देगी, आपको एडवांस नोटिस के जरिए सूचित कर दिया जाएगा और आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बना के आपको चैनल पर सूचित कर दूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला जो पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया कि एनुअल कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ द कमीशन विल बी reviewed in light of the decision of the government with regard to the lifting of restrictions of lockdown across the country. तो इसमें यह भी कहा गया कि SSC अपने एनुअल एग्जाम कैलेंडर को लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार आगे रिव्यू करेगी। पॉइंट नंबर डी में कहा गया है कि फ्रेश डेट्स ऑफ द पेंडिंग रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ओनली आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एज द इवेल्युएशन वर्क हैज ऑल्सो बीन हेल्ड अप ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक। तो इसमें कहा गया है कि SSC के जिन एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं उनका फ्रेश डेट्स लॉकडाउन के बाद जारी होने की संभावना है, मतलब लॉकडाउन के बाद SSC इसके लिए फ्रेश डेट जारी करेगी, क्योंकि इवेल्युएशन का जो कार्य है वो स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि द कमीशन विल फर्दर रिव्यू द सिचुएशन ऑन 18/5/2020। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक बढ़ाया गया है, तो SSC इस सिचुएशन पे फिर से पुनर्विचार करेगी। 18 मई को हो सकता है SSC कोई और नोटिस जारी करे। और अंत में SSC ने यह कहा है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अपडेट्स। तो जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स है वो पाने के लिए आपको SSC का ऑफिशियल साइट रेगुलर विजिट करने के लिए SSC ने ऐसा कहा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।